अच्छा तो ये है OnePlus 11। तो OnePlus 11 जो है वो अपने सामने आ चुका है एंड आप लोग जो है वो देख सकते हो, ये जो है वो लीक हो चुका है पूरा का पूरा, इसका डिजाइन वाइजाइन जो है वो इसलिए के डेट तक लीक हो चुका है। और अपने खुद के नक्शे कदम पे चलते हुए जो है OnePlus ने वापस से डिजाइन चेंज जो है वो कर दिया है। मतलब पीछे का जो कैमरा डिजाइन है वो वापस से चेंज कर दिया है। मतलब OnePlus 9 में लगाया था, OnePlus 10 में लगाया और OnePlus 11 में जो है वो अलग आ रहा है। आई जस्ट कांट गेट इट कि वो जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन जो है वो क्यों नहीं कर सकते। आई मीन यू कैन अपग्रेड द कैमरास बट फिर भी डिजाइन जो है वो थोड़ा सा फेमिलियर रखो। आई मीन हर बार चेंज करने की जो है वो इतनी ज्यादा नीड नहीं है। स्पेसिफिकेशन भी जो है वो लीक हो चुके हैं। काफी ज्यादा शानदार वाले डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगी। 50 मेगापिक्सल का पीछे वाला मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, 16 GB ऑफ रैम और अपेरेंटली 5000 mAh की बैटरी के साथ जो है आपको 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिलेगी। बट फिर भी जो है वो लोगों के दिल में जो है ये फोन इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट जो है वो क्रिएट नहीं कर पा रहा जितने की पहले के OnePlus फोन जो है वो क्रिएट कर पाते थे। और उसकी वजह है इसका लास्ट स्पेसिफिकेशन और वो है ऑक्सीजन OS 13। तो अपेरेंटली थोड़े से टाइम पहले OnePlus ने जो है वादा कर रहा था कि हमारा ऑक्सीजन OS 12 का अपडेट जो है वो वाकई में डिसअपॉइंटिंग था और अब जो है हम कलर OS के साथ इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो है वो ऑक्सीजन OS 13 को जो है वापस इसकी रूट्स पर लेके जाएंगे और हम जो है वो बिल्कुल कोर टू स्टॉक एंड्रॉयड जो है वो ऑफर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग टेंशन मत लो। बट अपने खुद के ही वादों को लात मारते हुए जो है OnePlus ने वापस से ऑक्सीजन OS 13 के अंदर पूरा का पूरा कलर OS का इंटीग्रेशन जो है वो दे दिया है। और इन्होंने जो है ये वाली वीडियो जो है वो YouTube पे डाली है ऑक्सीजन OS 13 को एक्सप्लेन करते हुए इसकी पूरी पूरी डिजाइन लैंग्वेज वगैरह और इसकी पूरी पूरी चीजें। और लिटरली पहला कमेंट जो है वो इसी चीज के बारे में, यू प्रॉमिस्ड अस दैट द OS मर्जर इज कैंसिल्ड एंड ऑक्सीजन OS विल रिटेन टू इट्स ओरिजिनल डिजाइन बट इट इज मोर कलर OS देन एवर। 1200 लाइक्स इस वाले कमेंट के ऊपर। वाओ, आई मीन मैंने मेरे डिवाइस को जो है वो ऑक्सीजन OS 13 पर जो है वो अपडेट नहीं करा है क्योंकि कौन करना चाहेगा वो, सिवाय कुछ यूट्यूबर्स के। और मैंने उनकी वीडियोज जो है वो देखी और वाकई में ये क्या है ये। मतलब आप फोन को महान बनाने की बजाय जो है वो उसको जितना हो सके उतना गिराना चाहते हो। आई जस्ट डोंट गेट इट। मतलब OnePlus 10T, OnePlus 10R वगैरह के अंदर आपको अलर्ट स्लाइडर वगैरह देखने को नहीं मिलता, हैसलब्लैड की ब्रांडिंग जो है वो देखने को नहीं मिलती। और OnePlus 11 के अंदर ये सब कुछ आएगा, मतलब हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी आएगी और अलर्ट स्लाइडर भी आएगा, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है वो इतना ज्यादा दम नहीं है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो हगान है। और इसके साथ साथ आप एक और चीज नोटिस करोगे कि बारह OnePlus 11 बोल रहा हूँ, OnePlus 11 Pro नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अपेरेंटली ये लोग प्रो लाइनअप को भी जो है वो धक्का मार के गिरा रहे हैं। 2019 में मैंने जो है OnePlus 7 Pro लिया था और वो वाकई में एक प्रो स्मार्टफोन लगता था एज कम्पेयर टू OnePlus 60 वगैरह, क्योंकि उसके अंदर कर्व डिस्प्ले आती थी, डिस्प्ले के ऊपर कोई पंचोल वगैरह नहीं था, आपको जो है वो कैमरा अंदर से निकल के भी दिखता था, तो वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन था। लेकिन अब जो है वाकई में OnePlus के स्मार्टफोन जो है वो प्रो टाइटल होल्ड करने के लायक नहीं रहे हैं क्योंकि ये जेनेरिक स्मार्टफोन जैसे जो है बनते जा रहे हैं जो कि मार्केट में भरे पड़े हैं। मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया मुझे इस वाले चैनल के ऊपर OnePlus के बारे में कोई सी भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर मैं जो भी वीडियो OnePlus के ऊपर बनाना चाहता हूं वो एट द एंड ऑफ द डे एक रैंट बन के रह जाता है। आई जस्ट डोंट गेट इट कि OnePlus जो है वो क्या करना चाहता है। बट ये है OnePlus 11 और ये आने वाला है अगले साल Snapdragon 8 जनरेशन 2 के साथ में। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इससे ज्यादा जो है वो Pixel 7a के लिए जो है वो एक्साइटेड हूँ क्योंकि इट्स रियली गुड स्मार्टफोन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करना इस वाली वीडियो, सब्सक्राइब करना। दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।